आयुषी सबसे पहले तो गाना जो है इतना 7.2 मिलियन फॉलोअर्स देख चुके हैं ऑलरेडी, व्यूअर्स देख चुके हैं इस गाने को, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? आप कितना एक्साइटेड हैं कि फर्स्ट टाइम आप जो है किसी मतलब सिंगल्स में नजर आएंगे, वो भी आइटम नंबर टाइप के सिंगल्स में नजर आ रहे हैं जी? जी मैं बहुत खुश हूँ। आई थिंक जितना भी प्यार मिल रहा है लोगों से बहुत कमी हमेशा लगता है, प्लीज़ इस गाने को और प्यार दीजिए। बट जिस तरीके से मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, जिस तरीके से लोग इस गाने को एंजॉय कर रहे हैं, उसमें डांस कर रहे हैं, वीडियोस पे हमें रील्स बना के भेज रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक बहुत समय के बाद एक गाना आया है जहाँ पर सिर्फ ना डांस करना है, खुल के नाचना है। 2 साल से हम लोग अपने घर पर सब लोग बंद थे, तो ज़्यादा नाचने का किसी को मौका मिला नहीं। अभी गाना आ गया है, नया गाना, पार्टीज़ हो रही हैं, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, यू नो मैं दुआ करता हूँ कि आप ये गाने को एंजॉय करें और नाचते रहें। जी आप तो प्रॉम्प्ट हैं नाचने में, इसमें तो आपको कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ आयुष के साथ डांस करके, मतलब कितना आपने सिखाया है, आयुष ने आपको सिखाया है? सबको एक परसेप्शन है कि मैंने सिखाया है, शक्ति जी बन चुकी हूँ मैं, तो मुझे बहुत मज़ा आता है डांस करने में। मैं तो स्टूडियो में भी हमेशा डांस करती रहती हूँ, पर ये अपॉर्चुनिटी मिलके मुझे बहुत मज़ा आया कि आई वॉज फीचरिंग विद आयुष एंड बहुत ही यू नो आउट एंड आउट सेलिब्रेशन वाला सॉन्ग है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत सारे एक्सप्रेशंस एंड यू नो मस्ती है। तो मेरे लिए पीपल हु नो मी, मैं बहुत कंटेम्प्रेरी और ऐसे स्लो वाले गाने करती हूँ, तो मेरे लिए भी एक चैलेंज है, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, इज अ चैलेंज। आप बोलते रहो को मैंने था, हमने विश्वास नहीं करे, हम मानने को तैयार नहीं है, शक्ति के लिए मुश्किल था, हो नहीं सकता। बिल्कुल बहुत बहुत आसान था मेरे लिए, वी हैड अ गुड टाइम, बहुत मज़ा आया, गाना बहुत ही एनर्जेटिक है एंड आई थिंक टू परफॉर्म विद हिम अगेन एंड अगेन, जो हमने हुक स्टेप्स किए हैं, हमने रील भी साथ में करी है, तो आई थिंक द एनर्जी दैट वी शेयर्ड वाज ब्यूटीफुल एंड आई एंजॉयड दैट। आयुष जी डांस की बात की जाए तो मतलब हम देखते हैं कि मतलब आपने अपनी फिल्मों में तो बहुत अच्छा डांस किया ही है, बट यहाँ पे आपको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो है गाना बहुत ही फास्ट मूविंग नंबर है, तो जी हर विषय जब भी आप नया कोई डांस स्टाइल ट्राई करते हैं तो मुश्किल होती है। मैं अपने आप को एक डांसर नहीं कहता हूँ, मैं जब भी नाचता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना एंजॉय करूँ उतना अच्छा है, क्योंकि कैमरा पे लोग उसको देखें कि मैं कितना मज़े का हो रहे हैं और वो भी उसी तरीके से इंजॉय करें गाने को। मेरे लिए इस गाने में यस थोड़े स्टेप्स थोड़े डिफरेंट थे मेरे डांस स्टाइल के लिए, बट मुझे बहुत मज़ा आया। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं सीख रहा हूँ, ऐसे ऐसे जब गाने होते हैं, ऐसी कोरियोग्राफी होती है, मुझे मौका मिलता है कुछ नया सीखने के लिए, तो मैं इस गाने से कुछ सीख के निकला हूँ, डांसिंग स्टाइल एक नया सीख के निकला हूँ। शक्ति के साथ परफॉर्म करके बहुत मज़ा आ रहा था, तो मुझे मैं बस ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस, मैं अपने उसको मुश्किल नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ सोचता हूँ कि ये एक कितना लकी इंसान हूँ कि मुझे पैसा मिल रहा है, जहाँ पे लोग पैसा देते हैं शक्ति जी से सीखने के लिए, मुझे पैसा मिल रहा है शक्ति जी के साथ नाचने के लिए, कितना लकी इंसान हूँ भाई, देख लो। आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब नीति जी ने आपके लिए वोकल्स दिया हुआ है, तो क्या कहेंगे मतलब कि मेरे को बहुत मज़ा आया कि दीदी की फीमेल जो आवाज़ है इस गाने में, मैं यूजुअली मिस करती हूँ कि और फीमेल पार्ट होना चाहिए, तो दीदी भी बहुत फील करती हैं कि देर शुड बी मोर पर्सपेक्टिव ऑफ वीमेन इन द सॉन्ग्स, बट फॉर्चुनेटली इस गाने में है, मतलब इतना भी नहीं है पर है, पर आई एम हैप्पी दैट दीदी ने आवाज़ दी इस गाने में एंड आई लव हर वॉइस, वो जिस तरह से गाती हैं एंड हम दोनों सिस्टर्स का कोलैबोरेशन हो गया इस गाने में, हम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। आयुष जी आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब एक डेलिबरेट डिसीजन था कि मतलब फिल्म्स करते हुए एक सिंगल करना, कि क्या चाह रहे थे आपके दिमाग में, क्या चाह रहे थे आपके सिंगल को ऑफर हुआ जी? मैं ऐसे इस प्लान नहीं था, मैं म्यूज़िक वीडियोस तब सोचता हूँ जब कोई गाना अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ कि गाना मेरी किटी में आ जाए। सब कोई ऑब्वियसली कोई गाने आपको पसंद आते हैं, आपको लगता है गाना चलेगा, तो उससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, तो एक तो मुझे सीखने का मौका मिला, दूसरा मुझे वापस आके कुछ यू नो लोगों के सामने एक व्यूअरशिप। फिल्में बनाने में बहुत टाइम जाता है, यू नो आजकल फिल्में बनाने में बहुत टाइम जाता है, कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं प्री प्रोडक्शन में, उसका ऑलमोस्ट 3-4 महीने की शूटिंग होती है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन, जब तक फिल्म रिलीज़ होती है वो 1.5 ईयर की जर्नी बन जाती है। अब 1.5 ईयर एक बहुत लंबा समय होता है कि अगर एक एक्टर
यू नो नज़र से बाहर रहे, तो इस म्यूज़िक वीडियो एक हमें भी हेल्प करता है वापस यू नो विजिबल रहना, बाहर आना, लोगों को कुछ नया दिखाना. सो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो इट वॉज नॉट डिलिबरेट अटेम्प्ट, बट ये ऑफर हुआ, विनोद सर ने मुझे गाना भेजा और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे कंसिडर किया इस गाने के लिए और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और बहुत मज़ा आया. शक्ति जी, आपने पहले मतलब आइटम नंबर कर चुका है पहले भी, मतलब राउडी राठौड़ का आपने किया था, वही सेम कोरियोग्राफर जो विष्णु सर हैं, हाँ जी, उन्होंने आपको कोरियोग्राफ किया इस गाने पे, तो क्या यादें हैं आपकी और क्या मतलब कहना चाहेंगे? विष्णु सर का जैसे मैंने नाम सुना कि वो कोरियोग्राफ कर रहे हैं, मैं समझ गई थी कि एकदम कातिलाना होने वाला है ये गाना, क्योंकि वो उनकी सोचने का तरीका बहुत अलग है कोरियोग्राफी में. जिस तरह से वो मतलब कोई भी सिंपल स्टेप भी होगा ना, जैसे वो करके दिखाएंगे तो मुझे समझ में आता है कि ऐसे करना है, तो वो करने का तरीका जो है साउथ का स्पेशली वो बहुत अलग है और मुझे वो बहुत मज़ा आता है देख के. तो मुझे काफ़ी सीखने को मिला उनसे. हर टेक से पहले ना वो एक्सप्रेशंस भी आके मुझे करके बताते थे कि ऐसे करना है, एंड देन मैं वही सेम टू सेम करने की कोशिश कर रही थी. मेरे लिए दिस वॉज मोर राउडी देन राउडी राठौर वाला गाना, तो मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया टू गेट आउट ऑफ माई शेल एंड डू दिस, पर इट्स डेफिनेटली अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस जब आप विष्णु सर के साथ काम करते हैं. आयुष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सलमान सर का कुछ कमेंट आया है इस पे कि सलमान ने कुछ बोला आपको कि अच्छा गाना है? हाँ सर, उन्होंने बताया कि मेरा कमेंट किसी को बताना मत, सीक्रेट है. उन्होंने कहा मैं कमेंट दूंगा बट ये सीक्रेट है, ये किसी को बताना नहीं. यस सर, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को? जी, मैं बस मैसेज देना चाहूँगा कि मैंने और शक्ति जी ने बहुत मेहनत की है इस गाने के लिए. हम लोगों को बहुत मज़ा आया शूट करने के लिए. मैं दुआ करता हूँ कि आपको ये गाना देखने में बहुत मज़ा आया. बजाइए, महंगे महंगे स्पीकरों में बजाइए, गाड़ियों में बजाइए, अपने घर पे बजाइए, फ़ोन पे बजाइए, इन्जॉय करिए. ये गाना धमाका है, आपको इन्जॉय करने के लिए है. पार्टियों में बजाइए, अभी जहाँ जहाँ आपको मौका मिलता है इस गाने को सुनिए और मैं गारंटी देता हूँ कि आप नाचने में मजबूर हो जाएंगे. जी, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपको बहुत जल्दी मैं इसके बारे में बताऊंगा. अभी आई एम नॉट इंटाइटल्ड टू स्पीक अबाउट माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट, बट आई थिंक बहुत इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं इसको लोगों के सामने लाऊंगा एंड आई होप कि आप लोगों को एक्साइटमेंट हो सकी. मैं सभी हमारे जो व्यूअर्स हैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ फॉर गिविंग अस सो मच लव, चाहे वो ये गाने को लेकर हो, चाहे वो मेरे करियर को पूरे लेकर हो. आई थिंक आप लोगों ने मुझे इतनी ज़्यादा इज्जत और प्यार दिया है इतने सालों में. आई कैन नॉट इवन इमेजिन, आई कैन नेवर एवर थैंक यू गाइज इनफ फॉर अप्रिशिएटिंग वॉट आई डू. आई एम लिटरली फ्रॉम द स्ट्रीट्स एंड आज मुझे कोई भी मौका मिलता है तो मैं हमेशा झुक के आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ फॉर मेकिंग माई लाइफ द वे इट इज़. थैंक यू, लव यू अ लॉट. थैंक यू सर.